यूपीए सरकार के दौरान पर्यावरण परियोजनाओं की मंजूरी में दखल से जुड़े पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन के खुलासे के बाद पर्यावरण बनाम विकास की बहस एक बार फिर चर्चा में है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि पर्यावरण की रक्षा प्रमुख है, परियोजनाओं का टिकाऊ और जीवन उपयोगी होना नियमों की मंजूरी के लिए अनिवार्य है। मंत्रालय ने जून 2014 से दिसंबर तक कुल 6 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बिजनेस को हम ये कह रहे हैं कि आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करो तो पॉलिसी के तहत आपको परमिशन मिलेगी, लेकिन पर्यावरण का विनाश करके किसी को भी परमिशन नहीं मिलेगी। तो एनवायरनमेंट की रक्षा प्रमुख है, लेकिन विकास भी साथ साथ है। जयंती नटराजन के पर्यावरण मंजूरी पर खास अनुरोधों के संबंध में परियोजनाओं पर रोक के आरोपों को गंभीर मुद्दा बताते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उन फाइलों की समीक्षा करने की बात कही। सरकार के मुताबिक इस बात की जांच होगी कि क्या परियोजनाओं की मंजूरी में कोई बाहरी दबाव डाला गया था। पहले प्राथमिक सच्चाई क्या है, कितने बाहर के इन्फ्लुएंस का से फाइलें बदली गई, रोकी गई, क्या हुआ, यह हम जरूर देखेंगे। गौरतलब है कि जयंती नटराजन ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि उनके पुत्र और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पर्यावरण मंजूरी के लिए उनसे विशेष आग्रह किए थे। इस खुलासे के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी यूपीए सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि आरोपों से साफ है कि मनमर्जी से फैसले लिए गए जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। ताज़ा खुलासों के बाद पर्यावरण मंत्रालय और ज्यादा पारदर्शिता पर काम कर रहा है। पर्यावरण और वन विभाग में परियोजनाओं की मंजूरी में पारदर्शिता की शुरुआत मंत्रालय ने ऑनलाइन सेवा प्रणाली से की, जिसे और पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उद्योग परिसंघ भी मंत्रालय के फैसले से काफी खुश है। ऑटो पायलट मोड में मिनिस्ट्री आ जाएगी कि जहां आपको आपको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिफारिश से हम काम नहीं करते, आपको बाहर से कोई दबाव लाना नहीं पड़ेगा, आपको जो मैकेनिज्म है, जो नियम है, पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास को कैसे साधे इसका नक्शा बनाओ, आपको परमिशन ऑटोमेटिक वे में बिना विलंब मिलेगी। The only thing we've been asking from industry is it should be open, transparent and time bound. That's all we've been asking and we see that happening. पर्यावरण का मसला बेहद संवेदनशील है और लंबे समय से विकास और पर्यावरण को लेकर बहस जारी है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इसमें संतुलन बिठाया जाएगा, साथ ही सरकार पारदर्शिता पर भी जोर दे रही है। रोहन सिंह के साथ ऋतु वर्मा, DD News।